अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा नाराजगी जताने के बाद अब सिख समुदाय ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल सिख समुदाय हिंदू पक्ष की तरफ से एक शख्स द्वारा एक गवाही से नाराज है। सिख समुदाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले में उनके धर्म को कल्ट के रूप में जिक्र किए जाने से नाराज है। दरअसल उनका मानना है कि अदालत ने इस मामले में ऐसी किसी आदमी की गवाही पर भरोसा किया है जिसने साल 1510 से 1511 में गुरु नानक देव जी के अयोध्या जाने के उद्देश्य को गलत तरीके से परिभाषित किया गया है। दवायर की खबर की माने तो केंद्रीय गुरु सिंह सभा ने चंडीगढ़ में शीर्ष न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। उन्होंने इस फैसले को सिख समुदाय का अपमान बताया। आपको बता दें कि कोर्ट ने धर्म और संस्कृति का अध्ययन करने वाले और सिख कल्ट की ऐतिहासिक किताबों में रुचि रखने वाले राजेंद्र सिंह की गवाही पर भरोसा किया। सिंह को हिंदू पक्ष की तरफ से अपने दावे के समर्थन में अदालत में गवाह के रूप में पेश किया गया था। वहीं खबर यह भी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके सबूतों को नोट भी किया। दूसरी ओर इस मामले में दिल्ली की एक वकील नीना सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र भी लिखा है। नीना सिंह द्वारा लिखे पत्र में बताया गया कि वह और सिख वकीलों का एक दल जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलकर फैसले के उस पैरे में सुधार की मांग करेगा जिसमें सिख धर्म को कल्ट बताया गया है। खबर के अनुसार नीना सिंह ने कहा कि यह अपमानजनक है और सिख धर्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा, जज को ऐसे गवाह को फटकार लगानी चाहिए जो हमारे जैसे शांतिपूर्ण और स्वतंत्र धर्म के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। सिख समुदाय इससे हैरान है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और गवाह की गवाही से आहत है। अब हम आपको राजेंद्र सिंह द्वारा अदालत में दिए गए बयान के बारे में बताते हैं। कोर्ट में कहा गया कि गुरु नानक देव जी अयोध्या में कथित राम जन्मभूमि पर दर्शन के लिए गए थे। सिंह ने कहा कि गुरु नानक जी मक्का और अयोध्या में भगवान के एक ही स्वरूप का प्रचार प्रसार करने गए थे, ना कि दर्शन करने। वहीं सिख संप्रदाय के लोग फैसले में निहंग सिख के जिक्र और उनके हवन पूजा करने की बात से भी नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि सिख धर्म में हवन पूजा का रिवाज ही नहीं है। खैर, अब देखना यह होगा कि दिल्ली से वकील नीना सिंह द्वारा इस मामले में लिखे गए पत्र पर सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।